नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है। जो भी गरीब लाभुक परिवार जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित हो गए हैं, जिनका अभी तक जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, अभी तक जो है उनका लिस्ट में नाम एड नहीं हुआ है, उनका अभी तक जो यहाँ पर आवास योजना का पैसा नहीं मिला है, और जो भी लाभार्थी के यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट मिल गया है उनका अभी सेकेंड पेमेंट नहीं मिला है, न थर्ड पेमेंट मिला है, उसको लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी जो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जो आप लोगों की जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं लास्ट तक। से मैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिसुआ खरार गांव में लिंटर तक आवास पूर्ण होने के बाद दूसरी किस्त नहीं मिलने से आगे का नहीं हो रहा है यहाँ पर निर्माण कार्य। अब देखिए यहाँ पर जो साफ साफ बताया जा रहा है, आवास की दूसरी किस्त के लिए लगा रहे हैं यहाँ पर चक्कर। आप साहब जो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रखंड में इस वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। अभी लाभुकों के जॉब कार्ड की मैपिंग की जा रही है। आवास पर्यवेक्षक पंकज कुमार पवन ने बताया कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 में 10,712 आवास देने का लक्ष्य था, जिसमें 8,337 आवास बना है। जिन्होंने आवास नहीं बनाया है उन्हें बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सिसुआ खरहार की वार्ड संख्या 12 निवासी रंजू देवी ने बताया कि प्रथम किस्त मिले 2 वर्ष हो गए, घर लिंटर तक बन गया है, लेकिन अभी तक तीसरी किस्त तो दूर दूसरी किस्त नहीं मिली है। वही यहाँ पर काफ़ी सारे लाभार्थियों ने यहाँ पर बताया कि घर लिंटर तक बन गया है, इनमें से जो है यहाँ पर किसी का 2 या किसी का 1 किस्त ही मिला है। यह विभागीय लापरवाही का परिणाम है अथवा इसके पीछे कुछ अन्य कारण है, लेकिन तीसरी किस्त में देरी हो रही है। वही यहाँ पर आवास के लिए चक्कर लगाकर थक गई है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। दर्जनों लाभुक ऐसे हैं जो भुगतान के लिए प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं। वीडियो अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि किस्त के भुगतान में देरी को लेकर जाँच की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साफ साफ बताया जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आवास योजना है PM आवास योजना, यहाँ पर लूट योजना बनकर रह गई है। आवास योजना की कहानी यह है कि बिना घूस दिए योजना का लाभ मिलना अब यहां पर मुश्किल है। ग्राम पंचायत के मुखिया के चाहते लोगों की ही इस योजना का लाभ मिल पाता है, जबकि सही में जो गरीब है वह आज भी योजना से वंचित है। इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए देने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रखंड में बिना मुखिया के इजाजत के इस योजना का लाभ किसी गरीब को नहीं मिलता। पंचायत के मुखिया ही परोक्ष रूप से इस योजना का संचालन करते हैं। सभी पंचायतों में लगभग पुरानी प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। अगर आप लोगों की ग्राम पंचायत में कोई भी वार्ड मुखिया या कोई भी यहां पर आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कोई भी यहां पर अवैध तरीके से आप लोगों से यहां पर राशि की वसूली की जाती है, तो आप लोग डायरेक्ट जो है आप लोग कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सभी पंचायतों में लगभग पुरानी प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है, नई सूची तैयार की गई है। इस सूची को जॉब कार्ड से जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पर नई सूची जो यहाँ पर आवास योजना का जो यहाँ पर तैयार की गई है, इस सूची को जो है अब जो जॉब कार्ड से जोड़ा जा रहा है। गति को तेज करने के लिए BDO आभा कुमारी लगातार प्रयास कर रही है। इस योजना का हाल यह है कि ज्यादातर सुखी संपन्न लोग ही इस योजना का लाभ ले पाते हैं। अगर जांच हो जाए तो इस योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला उजागर होगा, जिसमें जो है आप लोग को कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाकर मैं जानकारी दिया था कि भले ही ये योजना जो है गरीब के लिए है, लेकिन इसका फायदा जो है अमीर लोग ही उठा रहे हैं। अगर जांच हो जाए तो इस योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला उजागर होगा। नाम नहीं छापने की शर्त पर इस योजना के कई लाभुकों ने बताया कि योजना की राशि खाते में आने के साथ ही एक मोटी रकम घूस के रूप में चली जाती है, जिससे गरीबों को मकान नहीं बन पाता। अगर लाभुक को प्रथम किस्त मिल गया है तो दूसरे एवं तीसरे किस्त के लिए जो है यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर कई लाभार्थियों ने यहाँ पर अपना आवास भी पूर्ण जो है लिए, जिनका अभी तक
भुगतान भी उनके खाते में नहीं किया गया है। फेनहारा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण योजना का लक्ष्य के अनुरूप 80% कार्य जो है पूर्ण हो गया है। फेनहारा प्रखंड में कुल लक्ष्य जो है 3298 प्राप्त था, जिसमें कुल 3267 आवास स्वीकृत हुआ। उक्त स्वीकृत योजना में अब तक 3260 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि खाते में डाली गई। उक्त जानकारी देते हुए प्रखंड आवास सुपरवाइजर चंचल कुमार ने बताया कि अब तक प्रखंड में 2583 भूखों का कार्य पूर्ण हो गया, मात्र 663 योजना लंबित है। इधर दर्जनों लाभुकों ने बताया कि उनका कार्य होने के बावजूद दूसरे अथवा तीसरे किस्त का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिसका आवास का निर्माण पूरे हो चुके हैं, जिनका अभी तक यहां पर भुगतान जो है उनके खाते में नहीं किया गया है पूरी राशि। अब यहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रखंड ग्राम पंचायत ऐसे है आवास योजना का लाभ दिलाने में यहाँ पर बहुत ही गति धीमी से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मधुबन प्रखंड में पीएम आवास निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। विगत 4 वर्षों से इस योजना के तहत 1180 घरों का निर्माण कार्य जो है लंबित है। वही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएम आवास योजना का प्रस्ताव अभी तक जिलों को नहीं भेजा गया है। जैसे मैं आप लोगों को पता होंगे कि यहाँ पर जो आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है 11,49,000 गरीब लाभुक परिवारों को जो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएम आवास योजना का प्रस्ताव अभी तक जिला को नहीं भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार मधुबन में वर्ष 2016 से 21 तक के लिए 5429 आवास स्वीकृत हुआ है। इसमें 4249 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य पूरा करने वाले लाभुकों को 3 किस्तों में 1.20 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है, जो एक किस्त में 40,000 रुपए जो है दिए जाते हैं, 3 किस्त में 1,20,000 रुपए जो है दिए जाते हैं। कुछ आवास का निर्माण कार्य अधूरा है, जबकि कुछ लाभुकों ने निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया है। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक श्रीकांत ने बताया कि कोरोना बाढ़ एवं आर्थिक तंगी के कारण आवास निर्माण की गति धीमी पर गई है। वही विवादित जमीन के कारण करीब 550 लाभुकों ने अभी तक आवास का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया। आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले सभी लाभुकों को उजली एवं लाल नोटिस दी गई है। जो भी लाभार्थी जो यहां पर आवास योजना का राशि ले लिए, जिनका फर्स्ट एवं सेकेंड पेमेंट मिल गया है, वे जो है अपना आवास निर्माण का कार्य जो यहां पर शुरू नहीं किए हैं या पूरा नहीं किए, उनके पास जो है सबसे पहले जो यहां पर लाभुकों को उजली नोटिस जो है भेजा गया है, उसके बाद जो यहां पर लाल नोटिस दी गई है, इसके बाद जो है लास्ट में नीलाम पत्र वाद दायर की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वीडियो कुमारी सबिता ने सिन्हा ने बताया कि 2021-22 के लिए सर्वे का कार्य जो है चल रहा है। जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पात्र एवं अपात्र लाभुकों की भी यहां पर पहचान की जा रही है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब यहां पर सर्वे का काम जो है शुरू कर दिया गया है। अब जो यहां पर सर्वे किया जा रहा है, अब जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यहाँ पर न्यू लिस्ट जो है बनना शुरू हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिस्ट में नाम जुटना शुरू हो गया है। अगर आप लोग इसमें नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आप लोगों की ग्राम पंचायत की जो भी वार्ड मुखिया होंगे उनसे जो है आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना होगा, उनसे जो आप लोग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग 1,20,000 रुपये यानी कि आवास बनाने के लिए पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ जो है आप लोग ले सकते हैं, अन्यथा जो है आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग को करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है तो आप लोग की मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को मैं एक वीडियो बनाकर आसानी से जो है आप लोग के बीच प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग आसानी से देकर पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिस्ट में आप लोग खुद से नाम जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग की ग्राम पंचायत में आवास योजना के नाम पर किसी भी प्रकार से अवैध राशि की वसूली की जाती है तो आप लोग सीधे जो है आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, उस पर जो है बहुत जल्द जो यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही जो यहां पर एक खबर निकल कर आ रही थी, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इसके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।